मैं राजमा चावल बना रही हूँ। मैं इसको राजमा को रात में फूलने के लिए दे दी थी। 8 से 9 घंटा ये फूला है, ये अच्छी तरह से फूल गया। और ये राजमा 200 ग्राम है। अब इसको हम तीन तीन या चार सीटी इसको हम लगाएंगे 15 मिनट। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी। तीन चार सीटी लगाना है और मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा आदी का पेस्ट और 3 टमाटर लिया हूँ और 5 से 6 प्याज रखी हूँ। और प्याज और टमाटर को दोनों को मिक्सी में पेस्ट बना लें। और मैं ये प्याज और ये टमाटर का पेस्ट बना लिया हूँ। मैं ये गिलास से 4 गिलास चावल बना रही हूँ। इसको मैं पानी में डाल देती हूँ। इसको 10 मिनट फुलाएंगे पानी में, तब फिर इस चावल को बनाएंगे। अब मैं देखती हूँ ये उबाल आया है कि नहीं। हाँ, अब ऐसा ही राजमा को सिझाना है, ज़्यादा नहीं। मैं राजमा बना रही हूँ सरसों तेल और 2 चम्मच घी में। और तेल में थोड़ा सा दालचीनी डालें और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा। लहसुन का पेस्ट और आदी का पेस्ट डालकर हल्का सा भून लें। और उसके बाद प्याज और टमाटर का पेस्ट जो बना कर रखी थी वो डाल दें। और इसको 20 मिनट तक, जब तक तेल नहीं छोड़े तब तक इसको भूनना है। मध्यम आँच में, तेज आँच में हल्के हल्के धीरे धीरे इसको भूंजें। और नमक डाल दें 1/2 चम्मच। कम बेसी होगा आप डाल सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा राजमा। चम्मच हल्दी का बुकनी, हल्दी पाउडर इसको 20 मिनट तक भूंजें। मैं चावल बनाने के लिए पानी को गैस पर चढ़ा रखी हूँ। थोड़ा सा और ग्रेवी भून जाएगा, आधा पक चुका है। मैं चावल को 10 मिनट फूलने के लिए छोड़ दी थी। देखते हैं, अब ये चावल फूल चुका है। थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर डाल दें, इससे कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, थोड़ा सा गोलकी पाउडर, इसको अच्छा से मिला लें। अब ये अच्छा सा पेस्ट हो गया है, ग्रेवी बन गया है। अब इसमें हम राजमा को डाल, ये
दो गिलास पानी डालेंगे। दो गिलास पानी डालें, ज़्यादा नहीं, फिर राजमा गाढ़ी नहीं रहेगी। अब मैं चावल बनाने के लिए पानी को उबाल रखी हूँ और मैं इसको लौंग डाल रही हूँ पानी में, थोड़ा सा दालचीनी, दो चरपत्ता, चार छोटी इलायची, थोड़ा सा घी। और फिर अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल को चलाना नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब ये राजमा बन चुका है, अब ये चावल भी पक चुकी है, ज़्यादा नहीं सिझाना है। चावल भी पूरी तरह से बन चुकी है और मैं चावल के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, ये मेरा राजमा चावल बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं।